अब सेलिब्रेट कर रहा है इसको, ये जो अलायंस है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। द रशियंस आर गेटिंग वरीड बिकॉज इंडिया ने जो टफ टाइम चाइना को दिया, टैरिफ्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी, फिर टिकटॉक और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे पाबंदियां लग गई, बहुत ज्यादा जो एप्स थी वो बंद कर दी। जिसे ये कहते हैं कि अब वो डीएस्केलेशन की तरफ जा रहा है, चीजें डीएस्केलेट हो रही हैं, लेकिन एक दफा वो जो चाइना इंडिया का वो जो डैमेज है वो हो चुका है। क्वाड के जरिए से दुनिया में अपना असर सूख बढ़ाकर चीनी कंपनियों और चीनी प्रोडक्ट्स को रुकवाना चाहता है, ताकि उससे चीन की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हो और चीन की तरक्की की रफ्तार कम हो जाए। पाकिस्तानी कंसर्न्स तो हैं ही हैं, अमेरिकन हैं वो तो कह रहे हैं मुसलसल वो सारा कुछ इंडिया को दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से निपटने में लगा था, दूसरी तरफ कोरोना का जन्मदाता चीन अपनी चाले चलने में लगा था। भारत के साथ सीमा पर तनाव और क्वाड का गठन, जिसमें चीन के खिलाफ भारत सहित अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ आना, उसी का परिणाम है। अब यूरोपियन यूनियन के देश भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, लिहाजा चीन के ताबेदार पाकिस्तान को चिंता होना स्वाभाविक है। इसी चिंता को प्रकट करती पाकिस्तान मीडिया की यह परिचर्चा, आइए सुनते हैं। इंडिया ने जो टफ टाइम चाइना को दिया, टैरिफ्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी, फिर टिकटॉक और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे पाबंदियां लग गई, बहुत ज्यादा जो एप्स थी वो बंद कर दी। जिसे ये कहते हैं कि अब वो डीएस्केलेशन की तरफ जा रहा है, चीजें डीएस्केलेट हो रही हैं, लेकिन एक दफा वो जो चाइना इंडिया का वो जो डैमेज है वो हो चुका है। लेकिन ये आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे बिकॉज दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन, दोनों ही दे आर प्लेइंग वेरी वाइजली एंड स्मार्टली। इसी तरह ये देखते हैं कि जो क्या उसे बोलते हैं कि अमेरिकन हैं वो तो कह रहे हैं मुसलसल वो सारा कुछ इंडिया को दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ इंडिया को दिए जा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई हमें इंडिया एज ए पार्टनर जरूरत है, जिस तरह सारे के सारा यूरोप जरूरी था फॉर डीलिंग विद द रशियंस, ट्रांस एटलांटिक रिलेशन बनाना जरूरी था, इन अ सेम वे इंडिया जरूरी है फॉर चाइना। जापान की तो आर्मी कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज टू अवे फॉर अवे इन क्वाड, ठीक है जी, कि आप कैसे कह सकते हैं। क्योंकि जापानीज का जो आर्टिकल 9 है वो कहता है कि जापान जो है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, एंड आई बिलीव द मोर वी स्टडी द मोर वी गेट इन टू इट। जितना ज्यादा इस पे स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा स्टेक होल्डर्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो है। अभी रिसेंटली एक एरो इंडिया 2021 शो हुआ था इसमें बैंगलोर में, और जिसमें बड़े बड़े आर्म्स इम्पोर्टर आए थे, एक्सपोर्टर आए थे, और गो के इंडिया अपने आप को वो चाह रहा है कि हम करें अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बट इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द थ्रेट इज हियर, थ्रेट इज इमिनेंट एंड हियर। जिस तरह उनको राफेल लेने पड़ गए, ठीक है जी, इमीडिएटली राफेल लेने पड़ गए, क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में हमारी एयरफोर्स जो है वो उसको कम्पीट करना है F-16 के साथ, और राफेल होना चाहिए। सो ये चीजें जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिया अब सेलिब्रेट कर रहा है इसको, ये जो अलायंस है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, और ये पूरी दुनिया में अब डिस्कशन हो रही है इसके हवाले से कि भाई अभी, हाँ जी, इवन यूरोपियंस परेशान हो गए हैं, फ्रेंच परेशान हो गए हैं कि भाई डोंट गिव टू मच वैल्यू टू इंडो पैसिफिक, आपने तो सारा ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप ही खत्म कर दिया है, अमेरिका इज नो मोर दी ट्रांस एटलांटिक एलाय बिकॉज आप तो वहां चले गए हैं। और ये अब जब अमेरिका मूव करेगा तो फ्रांस, यूरोप तो ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा, सबकी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स तो आ गई हैं, और ये जो चीजें हैं डेफिनेटली इट गिव्स अ लॉट ऑफ ये परेशानी देता है बहुत सारे लोगों को, एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इन इंडिया विच वी नीड टू रीड इट कि दे आर नॉट गेटिंग वेपन्स एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फ्रॉम द यूएसए फॉर फ्री, दे आर पुटिंग द मनी ऑन द टेबल, भाई वो पैसा डालते हैं, और अब वो कोल्ड वॉर का जमाना नहीं है कि जी वो फ्री में वो चीजें ले रहे हैं, तो दैट गिव्स देम ऑटोनोमी एज वेल। सो मेरा ख्याल है कि ये जो एक जो कंस्ट्रक्ट डेवेलप हो रहा है, इस कंस्ट्रक्ट की एक बड़ी रैशनल सिग्निफिकेंस है, जिसको वो अमेरिकन तो डायमंड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, मजे की बात है, जो G7 में रिसेंटली डिस्कस हुआ कि वो इंडिया को तो लेना चाहते हैं, बट द जापानीज डोंट वांट
साउथ कोरिया एंड द फ्रेंच एंड द इटालियंस डोंट वांट इंडिया एंड द अदर्स इन दिस, ये वो कहते हैं कि इसको यूरोपियन रखें और क्वाड का एक नई शक्ल दें, सो डू नॉट एनहेंस दिस सो बट एनी हाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वास डिस्कशन डिट्रैक हो जाएगी सो होपफुली आई वाज जस्ट मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिया is getting relevant in Indo-Pacific. The Russians are getting worried because Russians badi der se apna weapons aur wo cheezein dete rahe hain unko. So let's see how things get unfold further. But one thing is, the more we read on Indo-Pacific, the more we read on Quad, the more we read the new institutional arrangements in Indo-Pacific, hume utni zyada samajh lagegi ki wahan pe kya ho raha hai. And definitely the Pakistani concerns तो हैं ही हैं। क्वाड के जरिए से दुनिया में अपना असर व सूख बढ़ाकर चीनी कंपनियों और चीनी प्रोडक्ट्स को रुकवाना चाहता है ताकि उससे चीन की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हो और चीन की तरक्की की रफ्तार कम हो जाए। अमेरिका पिछले साल 2 सितंबर 2020 को जब सुरक्षा संबंधी अपना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उससे विश्व को पता चला कि चीन किस तरह अपना जाल धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला रहा है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि यह वह समय था जब पूरा विश्व कोरोना के चपेट में था और भारत के साथ सीमा पर तनाव भी चीन के साथ अपने चरम पर था। लिहाजा चीन से निपटने के लिए एक अमली जामा पहनाया गया और वह अमली जामा था क्वाड का गठन, जिसमें भारत सहित अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। ज्ञात है कि भारत को छोड़कर क्वाड में शामिल किसी भी अन्य देश की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है, लिहाजा क्वाड का गठन भारत के लिए एक तोहफे से कम नहीं था। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि चीन अपनी आर्थिक ताकत के बल पर ही सब कुछ कर रहा है और चीन के आर्थिक ताकत का आधार है दूसरे देशों के साथ होने वाला उसका व्यापार, जिसका 60% हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर ही समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसी कारण क्वाड ने अपने गठन के तुरंत साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी करने के लिए, ताकि उसके व्यापारिक मार्ग को समय पड़ने पर अवरुद्ध किया जाए, पहला काम किया। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का एक भाग है। भारत का प्रभाव पैसिफिक ओशन तक बढ़ाने के लिए ही उसका नाम इंडो पैसिफिक रीजन रखा गया है। क्वाड के देशों ने एक रक्षा संबंधी समझौता भी आपस में किया है, जिसके तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और क्वाड के अंतर्गत चारों देश एक दूसरे का सहायता रक्षा संबंधी मामलों में करेंगे। अब क्वाड में यह खबरें आ रही हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल होने जा रहे हैं। भविष्य में ऐसा लगता है कि यह सबसे बड़ा मजबूत संगठन चीन के खिलाफ बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ है, इसलिए पाकिस्तान को चिंता होना स्वाभाविक है और उसी की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, जिसको अभी आपने सुना। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।